देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड 19 वैक्सीनेशन हेतु उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन स्टोर से लेकर वैक्सीन सेंटर तक पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए 4,943 सरकारी और निजी स्वास्थ्य इकाइयों को चिन्हित किया गया है। इन्होंने कहा कि 20% जो पॉपुलेशन है पूरी इंडिया की, उसको हम अभी फर्स्ट फेज में लेंगे, जिसका समय 6 मंथ के अंतर्गत होगा। और ये जो इसके अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो 20% पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से 30 करोड़ जनता पूरे भारतवर्ष में लाभान्वित होगी। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान 3 चरणों में आयोजित होगा। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को दी जाएगी और तीसरे चरण में शेष अन्य लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। डी फ्रीजर और वॉक इन फ्रीजर, ये -15 और -25 के बीच में रखी जाती हैं, जिसमें जैसे पोलियो वैक्सीन एक उदाहरण के लिए है, जैसे पोलियो वैक्सीन है, रोटा वायरस है, ये चीज़ें रखी जाती हैं। तो ये हमारी पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भारत सरकार के द्वारा जो हमें जो निर्देश दिए गए हैं, वो तैयारियां कैसी हैं, कि भारत सरकार ने हमको क्या कहा और जिसके अनुसार हर स्टेट पूरे भारतवर्ष में अपनी अपनी तैयारी अपने अपने स्टेट के हिसाब से कर रहा है। प्रेस वार्ता की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमको कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां और उसकी पूर्वाभ्यास और लॉन्चिंग और उसमें जो भ्रांतियां हैं और उसका जो हमने पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमको मानक और निर्णय देते हुए निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे लोगों को वैक्सीनेशन होगा, किस स्तर पर स्टेप वाइज हम कैसे करेंगे, तो उसका बहुत ही संक्षिप्त मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से वो सारी भ्रांतियाँ भी दूर होंगी जो प्रदेश की जनता के बीच में आए दिन भ्रांतियाँ होती हैं कि कोविड वैक्सीन लगाने से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो भी हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ये बताना चाहूँगी। वहीं देहरादून जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने भी कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर बताया कि जिला प्रशासन ने 16 जनवरी को शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान की सभी तैयारियां कर ली हैं। अंदर टोटल जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो 21,546 हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनको कि ये वैक्सीन लगाई जानी है और इनका सभी का डेटा जो है हमने ऑलरेडी जो है वो ऑनलाइन कर दिया है और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी वैक्सीनेशन किया जाएगा वो सारा का सारा वैक्सीनेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही किया जाएगा। तो ये है कि जो कोविन ऐप बनाया गया है भारत सरकार का, उस ऐप में ही ये सारे के सारे नाम रजिस्टर किए गए हैं। इधर उत्तरकाशी जिले में कोरोना वैक्सीन पहले चरण में 3,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। इसके लिए 16 जनवरी को पहली बार जिला चिकित्सालय सहित 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। वहीं वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। जिला कार्यालय सभागार में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों की जानकारी दी। जनपद में कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे जनपद में प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें हमने जनपद में 31 सेशन साइट्स निर्धारित करी है जो कि पूरे जनपद में सभी ब्लॉकों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इसके लिए सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा चुका है। साइट्स पर हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जो टीम है, निर्धारित टीम है, उन सबकी नियुक्ति की जा चुकी है। हम लोग लगातार टीम्स का ट्रेनिंग का प्रोग्राम रन कर रहे हैं ताकि लोग अभ्यस्त हो जाएँ और सीख जाएँ कि क्या क्या कैसे हमको टीकाकरण करना है। इसमें हेल्थ केयर वर्कर के पश्चात फिर फ्रंटलाइन वर्कर का टर्न आएगा टीकाकरण का, उसका हम लोग अभी डेटाबेस बना रहे हैं। वहीं बागेश्वर में कोविड वैक्सीन के प्रति शंका को दूर करते हुए जिला अधिकारी ने बताया कि भारत में बना कोविड वैक्सीन काफी सुरक्षित है।
उन्होंने जनता से अपील की कि वो गलत फहमी में ना आए। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 40 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इसमें जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी इसमें रिसर्च हुई है, ये वैक्सीन जो है वो पूर्ण रूप से जो है सेफ है ना। इसमें किसी प्रकार के जो गंभीर कोई सिम्टम्स वगैरह इसमें डेवलप नहीं होते हैं। बहुत ही जो नॉर्मल जो लक्षण होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे हल्के बुखार किसी को आ सकता है और जहाँ पे हम वैक्सीन कर रहे हैं वहाँ पे सूजन हो सकती है। इससे ज्यादा अधिक इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई बता दें कि कोरोना वैक्सीन के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। हर स्तर पर इसका सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। इसके बाद बुजुर्गों, बीपी, डायबिटीज और कैंसर जैसे रोगों से जूझ रहे मरीजों को टीका लगाया जाएगा। देहरादून से कुलदीप रावत, उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा और बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।